हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है रजनीगंधा, जिसे ट्यूब रोज़ भी कहते हैं। तो आज मैं आपको रजनीगंधा ट्यूब रोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बल्ब वाले प्लांट होते हैं, यानी इनके बल्ब लगाए जाते हैं। वैसे तो ये सीड से भी ग्रो होते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करने का कोई मतलब नहीं होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इनके बल्ब इजीली मिल जाते हैं, आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। तो इनके बल्ब जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, इसीलिए हमें बल्ब से इस प्लांट को लगाना चाहिए। मैंने ये प्लांट नर्सरी से परचेज़ किए थे, काफ़ी छोटे छोटे थे, तो उन्होंने मुझे सीड वाले ही प्लांट दे दिए थे, जिसकी वजह से इन प्लांट पे फ्लावरिंग आने में 3 साल लग गए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को मेरे गार्डन में 3 साल हो गए ऐड हुए, और ये पहली बार ही इन पे फ्लावरिंग हुई है, क्योंकि जब ये प्लांट आए थे तब इनमें कोई बल्ब नहीं थे, ये सीड से ग्रो किए गए हुए प्लांट थे, जिन्हें कि मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जब भी रजनीगंधा के प्लांट नर्सरी से ख़रीदें तो अच्छे से देख के ख़रीदें कि वो बल्ब है या सीड से ग्रो किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो नीचे से मिट्टी में उनके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिस तरह से ओनियन वगैरह होते हैं ना, उसी तरह से इनके बल्ब भी दिखते हैं, और वो जिस तरह से मिट्टी के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह से बल्ब भी, सारे ही बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं अंदर से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो आप एक प्लांट भी ऐड करेंगे अपने गार्डन में तो धीरे धीरे उसमें कई सारे बल्ब रेडी हो जाएंगे, और फिर आप उन्हें अलग कर करके कई प्लांट बना सकते हैं। मेरे पास ये 2 प्लांट थे जिनको मैंने डिवाइड करके अभी 3 पॉट में लगाया हुआ है, और बल्ब वाले प्लांट को बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रूट बाउंड को पसंद करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसके फ्लावर आते हैं, इनमें एक स्टॉक निकलता है, लंबा सा स्टॉक निकलता है, और उसमें कई सारे फ्लावर खिलते हैं। रजनीगंधा के जो फ्लावर हैं इनमें काफ़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस होती है, और अपनी फ्रेग्रेंस की वजह से ही ये प्लांट पॉपुलर हैं। इन फ्लावर को डेकोरेशन पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इनका फ्लावरिंग स्टॉक है वो काफ़ी दिनों तक बना रहता है। मैं जो आपके साथ ये फ्लावर स्पेंड वाला शेयर कर रही हूँ, ये 1 मंथ से मेरे गार्डन में है, और अब ये स्पेंड हो चुका है, क्योंकि बारिश और धूप दोनों ही पड़ रही हैं, तो ऐसे में फ्लावर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वैसे इनके फ्लावर 1 मंथ तक आराम से चल जाते हैं। रजनीगंधा के बल्ब पे गर्मियों से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो अक्टूबर नवंबर तक रहती है, इस बीच में ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इनके केयर के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे अच्छे से चलाना है। तो इस बल्ब वाले प्लांट के लिए हमेशा जब भी सॉइल बनाएं तो काफ़ी सैंडी बनाएं, ऐसी सॉइल बनाएं जो कि जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, नहीं तो पानी रुकेगा तो ये बल्ब जो होते हैं गल जाते हैं। इसलिए हमें इसे सैंडी सॉइल में, यानी कि रेतीली सॉइल में हमेशा लगाना चाहिए, और कोशिश करें कि बल्ब वाले प्लांट के लिए हमेशा मिट्टी या सीमेंट वाला ही पॉट लें, प्लास्टिक वाला पॉट ना लें अगर आप बिगनर्स हैं तो। अगर आप थोड़े गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, तब आप प्लास्टिक वाला पॉट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये रूट बाउंडिंग को पसंद करते हैं, यानी कि जब इनका पॉट जैसे देखिए भर जाता है तब हमें इसे रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बड़ा इसके लिए पॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी सफिशियंट है, 10-12 इंच का पॉट आप इसके लिए ले सकते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स इसके सनलाइट की, तो इसे फुल सनलाइट में रखिए, ये फुल सनलाइट में ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और पेस्ट की बात करें तो मैंने अपने इन प्लांट्स पे कभी भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपके प्लांट पे अटैक हो चुका है तब आप नीम ऑयल का या किसी और पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जहाँ तक कि अपने इन प्लांट्स में कभी भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है पिछले 3 सालों में। फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो आप बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दें, तो आप इन्हें बोन मील दे सकते हैं। बोन मील बल्ब वाले सारे ही प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।